नेपाल में एक बार फिर से विनाशकारी भूकंप आया। शुक्रवार देर रात नेपाल की जमीन इस कदर कांपी कि नेपाल के अधिकतम इमारतें टूटकर बिखर गई। उत्तर पश्चिमी नेपाल के जिलों में इस भूकंप के आने से अब तक रिपोर्टेड 128 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.4 मापी गई, जिसके झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। रुकुम पश्चिम में 36 और जाजरकोट में 44 लोग मारे गए। भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिले के लमीडाड़ा में था, जो कि काठमांडू से लगभग 142 किलोमीटर दूर है। देर रात 11:32 पर आए भूकंप के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर की तरफ से बताया गया कि 6.4 तीव्रता के भूकंप के बाद इस भूकंप के 4 आफ्टरशॉक्स भी आए, जिन्हें रिक्टर स्केल पर 4.5, 4.2, 4.3 और 4.6 मापा गया। बचाव दलों की तरफ से पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड शनिवार सुबह एक मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही नेपाल सेना और पुलिस को भी बचाव कार्य में लगाया गया है। इस भूकंप ने एक बार फिर से 25 अप्रैल 2015 के विनाशकारी गोरखा भूकंप की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिसमें लगभग 9,000 लोगों की जान गई थी। लगभग 22,000 लोग घायल हुए थे और हजारों लोग एक ही झटके में बेघर हो गए थे। साल 2015 के भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया था।